यार यार तो गाइज फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है अभी भाई टीवीएस शोरूम, ये चेक कर सकते हो। और भाई जाके अंदर नंबर प्लेट चूज़ करते हैं और फाइनल पेमेंट भी करते हैं अपनी RR310 की। और भाई कौन सा कलर हम लेने वाले हैं ये भी मैं जल्दी आपको बताऊंगा, और व्हील डेट भी आ रही है उसकी। और ये चेक करो भाई, एक RR310 इधर लगी है रेड कलर की, बाकी यार चलते हैं अंदर और जाके बातचीत करते हैं। और ये रही ब्लैक कलर की, लास्ट टाइम जो हमने देखी थी। और अभी देखेंगे भाई, मुझे तो पता लग चुका है RV अभी पूछने वाला है जल्दी एक दो दिन के अंदर, फिर उसके बाद भाई रिवील डेट भी मिल जाएगी और उस पर आप सबको इनवाइट भी करने वाले हैं हम लोग भाई इंस्टा स्टोरीज के थ्रू। जो जो पूछ पाएगा तो भाई उनके साथ ही रिवील करेंगे, अपनी बाइक की डिलीवरी लेंगे, पेमेंट वगैरह कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। सो गाइज ये चेक कर सकते हो भाई, 50,000 टोकन मनी दे दिया। और भाई ये कुछ डॉक्यूमेंट आ गया अपनी बाइक के नॉर्मली, और बाकी RC वगैरह तो आपको पता है 10-15 दिन बाद ही मिलती है। नंबर लगेगा बाइक को और एक दो दिन के अंदर अंदर बाइक की डिलीवरी हम ले लेंगे, डेट कंफर्म बता देंगे आप लोगों को। और ये चेक करो भाई, GoPro का भी मेरे को काम करवाना है आज, तो अभी निकलते हैं भाई किसी GoPro के शोरूम वाली साइड। इधर तो फाइन कोई ओरिजिनल शोरूम नहीं है GoPro का, लेकिन इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है गांधीनगर वाली साइड, तो या तो इधर हार्ले शोरूम में मिल जाएंगे इसकी एसेसरीज, या तो फिर राइडर कैफ़े मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाके मैं पता करूँगा भाई, हर जगह घूमूंगा आज, आज इसको भी फिक्स आउट करवाएंगे। और ब्लॉग ना करने का भाई एक ही रीज़न है, क्योंकि मेरा GoPro भी टूटा हुआ है और मीडिया मोड भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो बाकी यार बाइक की कुछ ये भी कंडीशन है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ 2-4 दिनों से। और भाई अभी वॉश भी नहीं करवाई है, पीछे से भाई छींटे पड़ पड़ के इसकी हालत चेक कर सकते हो भाई, कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इसको भी वॉश करवाना है। तो बाकी यार पहले चलते हैं अभी GoPro का काम करवाते हैं। सो गाइस ये चेक करो भाई, अभी मैं KTM सर्विस सेंटर से निकल रहा था, मैंने सोचा भाई इसका काम भी करा लेता हूँ, थोड़ा बहुत काम था। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था इसका ये वाला हैंडल बार टूटा हुआ था, तो ये वाला रिप्लेस करवाया अभी मैंने, और लेफ्ट साइड का फुट रेस्ट भी टूटा हुआ था, ये चेक करवाता हूँ आपको। ये वाला भाई अभी न्यू डलवाया, और इसकी वॉशिंग भी करवाने के लिए थी, तो भाई KTM सर्विस सेंटर वालों से ये वॉशिंग भी करवा दी इसकी। और ये चेक करो भाई अभी कंडीशन इसकी, फ्रंट साइड से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये चेक करो भाई अपनी न्यू KTM ड्यूक 250 भाई, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ भाई GoPro सेट करवाने, भाई टाइम लग गया इधर बहुत ज़्यादा। तो भाई इधर आया था मैं भाई पोल्यूशन चेक करवाने, भाई आज मुझे बहुत सारे काम थे भाई, तो मैंने सोचा भाई अभी इधर से निकल रहा तो पोल्यूशन चेक करा दे। सो गाइज फाइनली भाई तुम्हारे भाई ने GoPro का जो फ्रंट मिरर था लेंस, वो भाई रिपेयर पे दिया है इस वाली शॉप पे, चेक कर सकते हो भैया की शॉप पे मैंने रिपेयर पे दिया, क्योंकि भाई पूरी मार्केट में इधर GoPro का लेंस मिलता ही नहीं है। और बाकी भाई ये चेक कर सकते हो अपनी रेंज इधर है, और सामने भाई कैनन की जो शॉप है, तो इस शॉप पे भी भाई GoPro की सब एसेसरीज, इवन GoPro सब कुछ मिलता है, बट इसका लेंस नहीं मिलता, तो इसका ऑर्डर पे डालना पड़ता है। तो मैंने ऑर्डर पे एक डाल दिया और ये वाला जो है रिपेयर पे डाल दिया, क्योंकि भाई अपने बाइक की 8 को डिलीवरी होने वाली है, बाइक की RR310 की। तो गाइज अभी कंफर्म किया था हमने कॉल पे, मैंने जल्द से जल्द इधर अपना लेंस डाल दिया रिपेयर पे, तो भाई जल्दी रिपेयर होके आ जाएगा। तो मैंने ये कवर डाल दिया इसके ऊपर, क्योंकि भाई डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जाए, इवन बैटरी का भी ओपन किया हुआ है तो भाई इसके अंदर भी डस्ट ना घुसे, इसलिए इसको कवर कर रखा है। तो एक दो दिन के अंदर अंदर रिपेयर होके आ जाएगा अपने पास लेंस, फिर इधर डालेंगे इसको, और फिर मज़ा आएगा भाई देखने में भी, GoPro वापस से पूरा रिपेयर होने वाला है। तो गाइज न्यू मीडिया मोड ऑर्डर करूँगा मैं शाम तक, तो बाकी यार चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों को सीधा रूम पर।